बंगला जनाब महमूद अली साहब, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन साहब जनाब सुखेंद्र रेड्डी साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर जनाब ईश्वर साहब, हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास यादव साहब, काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन साहब और एमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, सारे एमएलएस एमएलसी, सारे उलमाओं को मशाकिन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम बुजुर्गों को और भाइयों को माह रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल जैसा आज भी हम दावत इफ्तार का इंतज़ाम किए हैं, आप सब तमाम लोग यहाँ आके हमारे तावन बढ़ा दिए, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दो चार बातें बोलूँगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है, 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए, पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1,050 हमारा पर कैपिटा था यूनिट्स, आज 2,140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, आईटी कैसा चल रहा है, आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक अकलियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने हैं। हमारे असद भाई तमाम कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनिसल गुरबा का तामीर होना चाहिए, अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल अपने हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, टीआरएस अभी बीआरएस के हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 साल में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ, कुल मिलाकर के देखे तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ये असेंबली में है, सेक्रेटरीट में, हर जगह असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहाँ तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है, सभी सुधर गए, जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फख्र से कहना चाहता हूँ आपके सामने, धान का जो खेत होता है हिंदुस्तान में, आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़स में खेती हुआ है धान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़, यहाँ पे यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज़्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है, ये भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है, ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूँगा।
लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है वो अगर हमारे बराबर तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिश्वरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका ताऊन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, ये देश सभी का है, ये देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे लेकिन कहीं कांप्रमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारे देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए, जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि जिस बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है, तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है, मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाल्लाह आगे जाके कहीं कामयाबी हमें मिलेंगे, हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाइयों को, जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माए हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूं। आली जनाब मोहतरम मौलाना रिजवान कुरैशी साहब।